अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 6 के 6.1 के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, फाइंड एफसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। और हमारे पास इस क्वेश्चन के टू पार्ट हैं। पार्ट 1 में हमारे पास जो दो एक्सप्रेशंस गिवन है वो हैं 39x7y3z, और दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास 91x5y6 और z7। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इसको ब्रेक करेंगे इस तरह से कि 39 ब्रेक हो सकता है हमारे पास 3/13 में। 3/13 हमारे पास 39 होता है। इसी तरह 91 को हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको पूरी तरह ब्रेक कर लेते हैं 3/13। हमारे पास 7 times x है इसमें, और यहाँ पे x 5 times है, तो जो छोटा है उस इतनी दफ़ा हम लेंगे। एक्स फाइव छोटा है तो इसमें हम एक्स फाइव एक दफ़ा ले लेते हैं, तो हमारे पास बाकी बच जाएंगे 2x यानी x2। इसके पास वाई थ्री है, इसके पास वाई सिक्स है, तो यहाँ पे वाई थ्री छोटा है, वाई थ्री वैसे ही आ जाएगा, और जी छोटा है जी सेवन से, तो इसलिए जी भी वैसे ही आ जाएगा। 91 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आता है 7/13। एक्स फाइव छोटा है, ये वैसे ही आ जाएगा। वाई सिक्स को हम ब्रेक करेंगे वाई थ्री में हमने ब्रेक किया क्योंकि उसके पास वाई थ्री था और बाकी बच गए 3, तो 3 हमने लिख दिए। इसी तरह जी सेवन को हम ब्रेक करते हैं, जी हमारे पास सबसे छोटा है और बाकी बच गए जी सिक्स। इसमें अब हम कॉमन देखते हैं तो हमारे पास 13 है, 13, फिर एक्स फाइव वाई थ्री जी। और कोई भी चीज़ इन दोनों में कॉमन नहीं, तो इसका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 13x5y3z। ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन 2 है, इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 102 x2 xy² z 85 x2 yz 187 xyz². अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने ढूंढना है, तो इसको भी पहले ब्रेक करेंगे। 102 हमारे पास ब्रेक हो सकता है 2/3/17 में। इसके पास एक्स है, 2 y हैं और जी है, इसको बस हम ब्रेक करके लिख देते हैं। फिर हमारे पास 85 में आता है, 85 को हम ब्रेक करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 5/17। 2 x हैं, 1 y और 1 z। और तीसरे में हमारे पास 187 को हम ब्रेक करके लिखेंगे 17/11 x y और 2 z। अब इसको कॉमन हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख सकते हैं क्योंकि हमने इनको ब्रेक कर लिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 17 है, इसके पास 1 x है, ये भी ले लिया, इसके पास भी 17 और 1 x है, इसके पास भी 17 और 1 x है, फिर 1 y, y, y और 1 z, z और z। तो हमारे पास हाईएस्ट, इसके अलावा और इनमें कोई भी इतना कॉमन, तीनों में और कोई कॉमन नहीं है। इसके पास 1 y है तो इसके पास और कोई y नहीं, इसी तरह इसके पास 1 z है तो इसके पास और कोई z नहीं, तो इनमें सबसे कॉमन ये है 17 x y z, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करके हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। पार्ट 1 में हमारे पास गिवन है, पार्ट 1 इजी है तो मैं आपको पार्ट 2 सॉल्व करवा देती हूँ। पार्ट 2 में है हमारे पास x³ - 27 x² + 6x - 27, 2x² - 18। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज अगर करना है तो इसकी फैक्टराइजेशन कैलकुलेटर पे हो सकती है, लेकिन सब इक्वेशंस के लिए ज़रूरी नहीं सही आंसर दे। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमारे पास x³ - 27 है, ये एक फॉर्मूला बन सकता है हमारे पास। क्यूब का फॉर्मूला, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x³ - 3
हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स माइनस थ्री स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, एक्स क्यूब माइनस थ्री क्यूब का फॉर्मूला हमने लिखा। फिर हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन गिवन है, इसको हम कैलकुलेटर पे किस तरह सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। कैलकुलेटर पे आप मोड के ऑप्शन में जाएंगे, मोड में आपके पास फाइव नंबर पे लिखा है ई क्यू एन, यानी इक्वेशन की बात हो रही है। फाइव पे मैं क्लिक करती हूँ तो हमारे पास चार इक्वेशन आ जाती हैं। नंबर थ्री हम चूज़ करेंगे जो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म होगी। नंबर थ्री पे अब मैं क्लिक करती हूँ तो हमारे पास तीन वैल्यूज ये मांगेगा ए बी और सी के लिए। तो यहाँ पे ए में हम पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट, बी में हम पुट करेंगे एक्स का कॉफिशेंट और सी में हम पुट करेंगे कॉन्स्टेंट टर्म। यहाँ पे हमारे पास एक्स ए में हम पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट जो है वन, बी में हम पुट करेंगे एक्स का कॉफिशेंट जो है सिक्स और सी में हम पुट करेंगे कॉन्स्टेंट टर्म जो है 27। लेकिन याद रखें अगर हम 27 पुट करते हैं तो गलत हो जाएगा, -27 है कॉन्स्टेंट टर्म, हम -27 पुट करेंगे और हमारे पास ये दो वैल्यूज देगा। पहले इक्वल टू पे दबाने पे हमें इसने 3 दिया और जब मैं दोबारा दबाती हूँ तो -9 आता है। अब हमारे पास इसने एक दिया 3 और एक -9, तो इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हम 3 और -9 को इस तरह से यूज करेंगे एक्स स्क्वेयर। अब बस आपने साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज करना लेकिन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं प्लस थ्री एक्स और -9x -27 तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि 3 -9 हो जाएगा जो कि आ जाएगा -6 और हमारे पास क्वेश्चन में है +6। +6 लाने के लिए अगर हम -3 और +9x को यूज़ करते हैं -3x +9x +6x होता है। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसमें कॉमन निकालते हैं, एक्स हमने इस दोनों में कॉमन निकाला, अंदर बच गया एक एक्स माइनस थ्री प्लस, यहाँ पे 9 कॉमन निकल आएगा, अंदर बच गया एक्स माइनस थ्री, तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस 9 एक्स माइनस थ्री, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। और अब तीसरी टर्म की देखते हैं जो है हमारे पास 2x² माइनस 18, इसमें हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास अंदर बच जाएगा x² माइनस 9, क्योंकि 2 9 18 होता है, तो अब हमारे पास ये टर्म आ गई। फिर हम 2 को ऐसे ही रखते हैं, अंदर हम एक्स का होल स्क्वेयर माइनस 9 को हम इससे लिख सकते हैं 3 का स्क्वेयर, इसको हमने बस इसी की तरह यूज़ किया, यहाँ पे क्यूब था तो, लेकिन यहाँ पे अब हम स्क्वेयर का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाता है 2a² माइनस b² का फॉर्मूला पुट करेंगे, यानी कि एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हमारे पास आ गया। इसमें हमारे पास एक्स माइनस 3 टर्म है जो दूसरों में मिलती हुई लग रही है, एक्स माइनस 3 टर्म है इसमें हमारे पास, और इसमें हमारे पास एक्स माइनस 3 टर्म है, इसमें भी हमारे पास एक्स माइनस 3 टर्म है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो एक्स माइनस 3 होगा, ये इसका आंसर है। और इसका जो पार्ट वन है, मैंने पार्ट टू सॉल्व करवाया है, पार्ट टू मैंने सॉल्व करवाया है, और इसका जो पार्ट वन है उसमें इस तरह के आपको दो इक्वेशंस गिवन है, उन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह के दो दो फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे इस तरह के दो हैं और इसी तरह उसमें और दो आ जाएंगे और उन दोनों में से जो कॉमन होगा वो आपका आंसर होगा। अब हम करेंगे पार्ट फोर और पार्ट फाइव। पार्ट थ्री जो है पार्ट फोर की तरह ही है, मैं आपको साथ ही बता दूंगी। पार्ट फोर हम करते हैं, पार्ट फोर में हमारे पास है क्वेश्चन 18x³ - 9x² + 8x और दूसरी वैल्यू हुआ है हमारे पास 24x² - 3x + 2। इसमें हम 18 को ब्रेक कर सकते हैं, हम इस तरह से ब्रेक करेंगे 2/3/3 और इसमें हम एक्स कॉमन ले लेते हैं। अगर एक एक्स हमने कॉमन ले लिया तो आगे हमारे पास बच गया x² - 9x + 8, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, इसको हम इसके फैक्टर्स हम बना सकते हैं कैलकुलेटर से।
फिर हमारे पास यहाँ पे है 24, जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 बाय 2 बाय 2 बाय 3। और आगे जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, जिसके फैक्टर्स हम कैलकुलेटर से बना सकते हैं। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, इस इक्वेशन के फैक्टर्स बनाते हैं। हमारे पास इस इक्वेशन के फैक्टर्स इस तरह से बनेंगे, एक्स स्क्वेयर -x -2x+2, और फिर हमारे पास आ जाएगा 2 बाय 2 बाय 2 बाय 3, और यहाँ पे x -1 -2x -1। फिर हमारे पास आएगा 2 बाय 2 बाय 2 बाय 3 x -1 और x -2। ये इस इक्वेशन का हमारे पास आ गया। और दूसरी इक्वेशन का है 2 बाय 3 बाय 3, इसके पास एक एक्स है, और इसको जब हम अंदर वाली के फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास इस तरह से बनेंगे, x² -8x -x+8, 2 बाय 3 बाय 3 x, x -8 -1 x -8, 2 बाय 3 बाय 3 x x -1 x -8, ये इस इक्वेशन का आ गया। और अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देखते हैं क्या होगा। इसमें हमारे पास 1 2 है और 2 3 है, तो इसका हम 1 2 ले लेते हैं, लेकिन इसके पास 2 3 नहीं है, 1 3 है, तो 1 3 ले लेते हैं। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आ गया है 2 बाय 3, दोनों में 1 2 कॉमन निकल आएगा और 1 3 कॉमन निकल आएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास एक्स है, इसके पास कोई हाल ही एक्स नहीं। फिर हमारे पास x-1 है, इसके पास भी x-1 है, और x-1 हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। इसके पास x-8 है और इसके पास x-2 है, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन निकल रहा। ये हमारा HCF है, जिसको हम सॉल्व करके इस तरह से लिख सकते हैं, 2 बाय 3 6 होता है, 6x-1, ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 अब आपको बताती हूँ किस तरह करना है। पार्ट 3 में जो हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है, उनमें से 2 क्वाड्रेटिक हैं, और जो पहली इक्वेशन है वो x³ की फॉर्म है, यानी वो इस तरह की इक्वेशन है। तो उसमें सिंपली आपने x को कॉमन निकालना है, उसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लाना है, यानी x² की फॉर्म में लाना है, और फिर उसके फैक्टर्स बनाने हैं, और बस एक एक्स साथ आएगा। और बाकी दोनों जो उसकी 2 इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही हैं, तो उसके 2-2 फैक्टर्स इस तरह के बन जाएंगे। अब हम पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 में हमारे पास क्वेश्चन है 36 3x4 + 5x3 - 2x². और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है 54 27x4 - x। इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हम 36 को पहले ब्रेक कर लेते हैं। 36 को ब्रेक करके हमारे पास आ जाता है 44/9। 36 को ब्रेक करके हमारे पास आ रहा है 4/9, और यहाँ पे x4 है, x3 है, x² है, तो सबसे छोटा है स्क्वेयर, तो यानी स्क्वेयर को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे x² को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर हमारे पास रह जाएगा 3x², 2 यहाँ से निकल जाएंगे x4 में से, तो x² बचेगा, प्लस यहाँ से 2 निकलेंगे तो 5x बचेगा, माइनस इसके दोनों निकल गए तो -2। फिर 4/9x², और अंदर वाली के हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन इसकी इस तरह से होगी, 3x² + 6x - x - 2, और हमारे पास आ रहा है 4/9x² 3x x + 3, x + 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3x x + 2 - 1x + 2, और फिर हमारे पास आएगा 4/9x² 3x - 1 और x + 2, ये इस इक्वेशन का हमारे पास आ गया। और दूसरी इक्वेशन में हम देखते हैं, इसमें 54 को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आता है 6/9, और इसमें हम ये करेंगे कि इसमें सबसे छोटा एक्स है, तो एक्स ही कॉमन निकल आएगा, एक्स कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा 27x³
-1 क्योंकि x पूरा निकल गया, x 1 जा x, फिर 6 बाय 9 x, और इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि 3x पे अगर क्यूब लगाई जाए और -1 पे क्यूब लगाई जाए, 3x जब होल क्यूब लिया जाएगा तो 3 3 = 9, 3 = 27, और x क्यूब -1 का क्यूब लें तो -1 ही आएगा। फिर इस यहाँ पे हम इसको 6 by 9 को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं 2 by 3 by 9। अब आ गया x, और इसको हम लिख सकते हैं क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x - 1 और 9x² + 3x + 1। और यहाँ पे ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, 4 by 9 को हम ब्रेक कर सकते थे 2 by 2 में बाय 9, और फिर बाकी सारा सेम 3x - 1 और x + 2, ये इसका फाइनल टर्म है। और यहाँ पे अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन भी है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आता है, इमेजिनरी टर्म्स आ जाती हैं, इसकी फैक्टराइजेशन सिंपल वे में नहीं हो सकती। और इसको अगर हम दूसरी तरह भी सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो है आयोटा इमेजिनरी टर्म्स में चला जाएगा, ये इक्वेशन इसी तरह रहेगी, तो यही इसकी फाइनल इक्वेशन है। HCF देखते हैं हम, हमारे पास कैसे आएगा। HCF है हमारे पास, इसके पास है एक 2, इसके पास भी 2 है, इसके पास कोई 3 नहीं, इसके पास लेकिन 3 है, इसके पास 9 है और इसके पास 9, तो अभी तक हमारे पास कॉमन निकला है 2 by 9। फिर यहाँ पे हमारे पास है x² और यहाँ पे हमारे पास है x, तो यानी हम एक एक्स तो निकाल सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते थे एक्स एक्स, तो एक एक्स और एक एक्स हमने निकाल लिया, और फिर इसके पास 3x - 1 है और इसके पास भी 3x - 1 है जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आगे आ जाएगा 3x - 1, और ये इसका आंसर है। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 2 by 9 हो जाएगा 18x 3x - 1, ये हमारा आंसर है। आज की वीडियो में हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।